आइए गाइस, ये आप देखें कि ये जो अब डोन पुर्जा होता है, ये सिलाई मशीन का ये बटन वाला, ये बार बार लूज होता है और ये अक्सरियत से टूट जाते हैं। ये चाइना मशीन में अक्सरियत से आते हैं, तो ये पुर्जा देखें लूज है, इसको जितना भी कसें और ये टूट भी जाते हैं, कसने से नरम होते हैं। तो आपने ये राड निकालनी है, ये स्क्रू खोल के, और इसमें पिन भी होती है तो वो भी निकाल सकते हैं। ये आपने घुमा के निकाल दी ये राड, अब ये आपने हटा देनी है और इसको नया पुर्जा आम लगाना है। ये देखें लूज है, बार बार ये तंग करता है, दांते ऊपर नीचे होते हैं, तो इसको हटा के आपने इस तरीके से नया लगाना है। तो आपने ये वीडियो में देखना है किस तरीके से नया लगाया जाएगा। तो इसको आपने खोलना है, ये संतर आपने इस तरीके से खोल के ये निकाल देना है। ये आपने हल्के हल्के पेंच खोल के इसको निकालना है, ये राड आराम से निकालना है कि चिमटी में गोली ना फंसे और निकले आराम से। इस तरीके ये टूट भी सकती है इस जगह से, तो आराम से आपने निकालना है। ये आप देखें इस जगह से चटक चुका है, क्योंकि नरम हिस्से होते हैं, ये अक्सरियत से टूट जाते हैं और ये कसाई नहीं करते, बार बार दाता नीचे जाता है तो आप परेशान होते हैं। तो बआसानी आप ये घर पे लगा सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। ये आपने इस तरीके से निकाल दिया, ये आप देख सकते हैं कि ये बेकार हो गया, ये टूट गया, ये आपने हटाना है। ये आपने साफ़ सुथरा करके अब ये नया पुर्जा किस तरह लगाना है ये आपने देखना है, ये बेकार है। अब ये आपने इस तरीके से हटा दिया, अब ये आपने नया पुर्जा लगाना है, ये राड में देखना है, ये हल्का हल्का आ रहा है तो आपने इसको हल्के हल्के चोड़ मार के अंदर करना है। ये पेंच लाजमी खोल लेना हल्का सा, ये आपने गोली इस तरह इस जगह लगानी है और अंदर नहीं लगानी है, आपने इस साइड पे लगा के आपने चेक करनी है। अब हल्के हल्के आपने इसको चोड़ मारनी है गोली को, अंदर बेड़ी आएगी तो ऊपर से आपने ज्वाइंट करनी है इसको, हल्के हल्के चोड़ मार के इसको आपने ज्वाइंट कर ली। अब ये इसमें हल्के हल्के लगा के इस तरीके से आपने चोड़ मारनी है, हल्के हल्के आपने चोड़ मार के इसको राट के अंदर लगाना इस तरीके से। गोली जो है बुकलेट का जो हिस्सा है उस साइड पे आपने रखनी है, गोली इसके सेंटर में रखनी है, जो गड्ढा है बुकलेट का इस तरीके से नीचे करके आपने इसको हल्के हल्के चोट करके पीछे ज़्यादा करनी है, फिर चिमटी में बाद में लगेगी। अभी आपने साफ़ सुथरा करके इस गोली को किस तरह लगाना है ये आपने पहले बुकलेट अंदर लगानी है। और याद रहे ये संतर ज़्यादा टाइट नहीं कसना है, इसमें लट के अंदर हल्की सी हवा रहना ज़रूरी है, ये हल्की हल्की चाल रहेगी तो इस तरीके से आपने ये बुकलेट को दोबारा कसना, ये कस दिया। अभी आप देख सकते हैं हवा बराबर चाल है इसके अंदर, अब ये आपने हल्के हल्के हथौड़ी से कसना है, ये आपने इस तरह कर दिया। और ये हथौड़ी से हल्के हल्के इसको चोट मार के चिमटी के अंदर ये गोली आराम से बिठानी है, चिमटी में फंसे ना, बिल्कुल बीच में रख के आपने इसको इस तरीके से चोट मारनी है। ये आप देख सकते हैं ये अंदर गोली आ गई है और गोली जाम भी ना हो चिमटी के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि चिमटी में आराम से बैठ गई है। अब ये आपने देखना दांता कि कितना ऊपर आ गया है, ये आप देख सकते हैं दांता बहुत ऊपर आ गया, तो आपने इस तरीके से पेचकस से हल्का सा उठाना है। और याद रहे जो नमदा चल रहा है वो अंदर रहे, ये इस तरीके से आपने उठा दिया, अभी और हल्का सा नीचे होगा ये इस तरीके से। अब ये देखें दाता अभी हल्का सा और नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर आपने करना, इस लिमिट में करना है कि ना ज़्यादा ऊपर हो ना नीचे हो, ये आपने देख लिया। अब ये बिल्कुल बराबर दाता हो गया, ना ज़्यादा ऊपर है ना नीचे, ये आपने पेंच कस दिया। अगर ज़्यादा ऊपर होगा कपड़ा जम करेगी, तो ये ध्यान रहे कि दरमियाना दाता पटरी से रखना है आपने। ये बेकार हो गया पुर्जा, टूट गया, अभी आपने नया लगा दिया, इसकी जान छूटी, अब ये